वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीनू और सुबह का ब्लॉग में मेरी वॉइस नहीं आ पाई थी तो इसलिए मैंने वापस से बनाया। आज मैं जाने वाली हूं घर बिहार और मैंने पूरे दिन का मेरा पूरा दिन बहुत ही बिजी गया तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे हर चीज़ पैक करना था और जो चीज़ यहाँ है उसको मैनेज करना था क्योंकि अभी घर पर कोई भी नहीं है तो हर चीज़ को देख के जाना था, इसलिए मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ भी करने का। लेकिन हाँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैडी भी रेडी हो चुके हैं। हाँ वो भी रख दो। फिर हमने मैंने पैकिंग कर ली। पैकिंग में ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ इस बार, मतलब अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, रखा नहीं, मतलब फिर भी दो बैग तो है ही, बट वो है शोल्डर बैग है, एक में तो आपका खाने का सामान हो जाता है और एक में जो आपके डेली यूज के हो गए, क्लोथ्स हो गए, बेसिक नीड्स जो आपके हैं वो आप रखोगे। मेरा आउटफिट है आज का आउटफिट मैंने बहुत ज़्यादा कैजुअल रखा है और ऑब्वियसली टी शर्ट, जीन्स और शूज़ क्योंकि और बैग क्योंकि आप रास्ते में जाते हो और ऑलमोस्ट वो 28 to 30 आवर्स का हो जाता है। तो बेसिक ये है कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो अपने आप को आप जितने कंफर्टेबल तरीके से रख सकते हो आप वैसे रख के जाओ, नहीं तो आप बहुत परेशान होगे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार 30 घंटे का रास्ता समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो मिलते हैं फटाफट से अब रास्ते में। और अब तक हमारे ब्लॉग में दो और ऐसे चेहरे थे जो कंटिन्यूसली दिख रहे थे लेकिन अब 1 मंथ के लिए ये दो चेहरे नहीं दिखेंगे इस ब्लॉग में, बस मैं दिखूंगी, बस मैं। चलो आगे मिलते हैं। फाइनली अब मैं सोसाइटी से निकल चुकी हूँ और मैडी सामान लेके आ गए क्योंकि हमें रास्ते में मिठाई भी लेना था, तो अब मैडी बोल रहे मैं बाइक लेके आता हूँ। हमने फटाफट से बहुत ही कम मिठाई लिया क्योंकि मुझे एक तो बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरा ले जाना भी मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फाइनली लेने के बाद हम निकल गए। वैसे ऐसे हम ट्रिप स्टार्ट किया करते थे एक टाइम पे और नेक्स्ट टाइम भी बहुत जल्दी करने वाले हैं शायद। जब तक ये मेरा सारा ब्लॉग आएगा तब तक शायद मेरा 2 ट्रिप भी हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत लेट पोस्ट करती हूँ। एनीवे अब मैं निकल गई। अरे क्यों डर रहे हो भैया, जब वैष्णो देवी गए हम गोलू से ड्राइवर ना। भाई साहब मुझे ऐसा लगा माता रानी घुसी पड़ी है उसमें, चलो तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा। उसने दिल पे ले ली बात, पता नहीं और कैसे, मतलब इतना उसने, मतलब पता क्या हुआ, उसने ये कहा, मतलब जब वो है ना टोल टैक्स कट रहे, पहले तो 25 कट रहे, बंदा उतर के खुद गया भगता हुआ, ट्रेन छूट रहा, मतलब तेरी टेंशन है इतना। मुझे ऐसा लगा है सच में, नहीं ट्रेन ऐसी चीज होती है ना, छूट गई फिर मिलेगी नहीं, समझे नहीं। उस बंदे को क्या जरूरत पड़ रही है उतर के जाकर टोल टैक्स वाले से रिक्वेस्ट करने की, लेकिन वो रिक्वेस्ट करके अपनी गाड़ी निकलवाने गया कि भैया इसमें वो बैठे उनकी ट्रेन निकल जाए। अरे वो कहाँ है माइक? टाइम नहीं है, क्या कर रहा है? थैंक यू, बाय 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 बाय। चलो इसके बाद हम निकल गए स्टेशन के लिए और फटाफट क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकती है। मैडी भी यहाँ पे बाय बोल के वो चले गए और हमने अपना सामान एडजस्ट कर लिया। RAC के बाद कंफर्म होने पे आपको ऊपर की ही सीट मिलती है, मोस्ट प्रॉब्ली 110%, तो हम ऊपर ही थे इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाई। और इसके बाद सो गए हम। सुबह हमारी गुड मॉर्निंग होती है और मुझे बिल्कुल अपना गुड मॉर्निंग पसंद नहीं आ रहा था, मेरे फेस से ही समझ में आ रहा है कि मुझे बिल्कुल शोर शराबा से ना उठ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऊपर बैठ के मैं क्या ही कर लेती। तो यही सही, मेरी फ्रेंड यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही है और यहाँ मैं कह रही थी समोसा चाट ले लेना, पार्टी बना मेरा क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं, समोसे चाट ले, सो क्या है स्पेस है बट नहीं ना, डोसा वोसा मत ले, तो हम नीचे जब जाएंगे उसके बाद। अरे वही वही समोसे चाट ले के ट्रेन पे मैं और मेरी फ्रेंड, टिकट ले लिया। तो सेकंड AC का भी ऐसे हाल होता है कि ऊपर अपर, जैसे हमारा कंफर्म नहीं था RAC था, तो हम तीनों को ऊपर का कंफर्म मिला है, मतलब ये और फिर ये वाला सीट। आपको इसके साथ एक ब्लैंकेट और 2 बेडशीट, एक पिलो और एक ट्रॉल मिल जाता है और कर्टन को आप ऐसे क्लोज कर सकते हो, कवर कर सकते हो हर जगह पे सेक्शन वाइज। और ऐसे आपको एक मिनट लाइट दिया जाता है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपको पढ़ने का मन है तो। ट्रेन में एक ऊपर मिरर होने का ये फायदा है कि आप यहाँ से बैठ के आराम से काम कर सकते हो। इस
इसके बाद हम नीचे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि जिनका कन्फर्म था वो उनके स्टेशन आ चुकी थी, वो चले गए। फिर हम यहाँ गए और नीचे से मैं व्यू दिखा रही हूँ कि अब मैं फाइनली व्यू दिखा सकती हूँ। ऐसे सीट होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, बट फिर भी आप थक तो जाते ही हो, 30 घंटा मजाक थोड़ी है 30 आवर्स तक आप बैठे रहो। और मैं सोच रही हूँ कब टाइम बीते यार। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ प्रिंटू और अब हो चुका है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो वैसे पहले ही हुआ था जो मैं आगे आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, बट उस टाइम पे मैं ऊपर थी तो उतना कुछ नहीं बना सकती, तो ऊपर से कोई व्यू नहीं होता है तो मैं नहीं दिखा सकती थी। और नीचे हम लोग का मतलब हम लोग का पहले REC था, टिकट कन्फर्म होना बिहार का बहुत मुश्किल है। अब जाके हुआ तो पहले हम लोग का ऊपर हुआ था, अब हम लोग कहाँ मुजफ्फरपुर में हम नीचे आए नीचे के सीट पे। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखा सकती हूँ बाहर का व्यू अंदर का व्यू। तो ये आज हमारा ट्रेन में है डे 2। नॉर्मली लोग घूमने जाते तो उनका डे 2 होता है और मेरा ट्रेन में भी डे 2 होता है। तो आओ कभी बिहार, फिर पता चलेगा कितना लंबा चौड़ा रास्ते पे हम जाते हैं। आप 2-3 घंटे के रास्ते को ये सोचते हो कोई ट्रिप हो गया, हम 30 घंटे के रास्ते पे जाते हैं। स्टेशन का नाम ढोली, ये ढोली स्टेशन है। कहाँ कहाँ जाते हैं तो शायद मैं माइक लगाई हूँ तो अभी नॉइज़ कैंसलेशन है इसमें तो साउंड नहीं आएगा, और मैं इससे पहले वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने माइक नहीं लगा रखा था। तो चलो आगे मिलते हैं गाइस। फाइनली चाय मिल गई मुझे, तो चलो चाय तो मेरी जिंदगी है। कोई बात नहीं, तुम बात कर लो और इसका कॉल आके तो बात करेगी। चाय ट्रेन बस मुझे इसलिए पसंद है कि आप इसमें घूम टहल सकते हो मस्त आराम से। अभी मैं आ गई हूँ अपने बालकनी व्यू, मतलब हाँ ट्रेन से बाहर आप देख सकते हो तो आपको बहुत होमली फील आता है, मुझे अच्छा लगता है बहुत। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सहरसा और लगभग हमें 2 मिनट लगेगा पहुँचने में, और हम देखने तक और यही बहुत खुश है। अलग लेवल का एक्साइटमेंट है, खुशी। पूरा ट्रेन खा लिया, दिखाऊं पूरा ट्रेन खा लिया। फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूं, यहां मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई अपने स्टेशन के। पापा आ गए थे, भैया आ गए थे यहां पे मुझे लेने के लिए और मैं डायरेक्ट निकल गई। शायद मैं 11 बजे पहुंची थी, 11:30 बजे पहुंची थी और मैं अपने घर के लिए निकल गई। तो यहां से लगभग अभी 3 घंटे और लगते हैं जी, हाँ 3 आवर्स और था। और ये हमारे रास्ते का एक पुल है जो मुझे आते ही पता चल जाता है यहाँ आने के बाद कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ। अब बस 15 मिनट्स और मैं इतनी थक गई थी बस 1-1.5 बजे मैं घर पहुँची और थकने के बाद ऐसा लग रहा था बस मुझे जल्दी से खाना दो और मैं सो जाऊँगी, कि अब हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आना है बिहार किसको मुझे बताओ, किसे चलना है, वो भी ऐसे ट्रेन में। और बाय रोड तो आप सोच ही नहीं सकते क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। फाइनली वो टाइम आ गया जो मैं अपने गाँव आ गई। ये यार कुछ है जो मुझे नहीं मालूम था कि कुछ है, बट हम मुझे जाते ही पता चल जाता है। मेरा लोकेशन तो पूरा ज़्यादा ही ख़राब है मैप में, मैं जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही हूँ कि कहाँ जाना है, और मैं हमेशा याद नहीं रख पाती कि ये रूट था वो रूट था, जिससे मेरी बहनों को बहुत याद रहता है। और बस वो टाइम आ गया है कि अब मैं अपने घर के लिए टर्न लेने वाली हूँ, यहाँ से नहीं थोड़े आगे से। तो ये है कंप्लीट व्यू जो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में अब कंप्लीट बहुत मज़ेदार सा आने वाला है, जैसे मैंगो ट्री का हो गया, जिसको हम लोग आम गाछी बोलते हैं, वहाँ का हो गया, नदी हो गया और जितने भी चीज़ है वहाँ का ना, वो मैं दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो अब आने वाले हैं वो कम्प्लीट ब्लॉग होगा, उसे ज़रूर देखना। और यहाँ से हम टर्न ले लिए, वो आगे हमारी दुकान है और यहाँ से ये रास्ता है जिससे हम अपने घर के लिए जाते हैं। दोनों साइड कोकोनट का ट्री है और भी कुछ है जो मुझे नहीं पता, जिसको सीसम बोलते हैं, सीसम है वो। और फाइनली हम आ गए और सब लोग गेट पे ही हैं, रात बहुत हो चुकी थी। तो मैं इसके बाद का कुछ भी अब वीडियो नहीं बना पाई, अब मैं
सीधे मॉर्निंग मिलूंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट ब्लॉग, तो वो देखना मत भूलना। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।